डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं हम लोग ट्वेल्थ क्लास में मैथमेटिक्स में भी जो पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.5 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने ट्वेल्थ तक के कम्प्लीट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे होंगे किसका इंटीग्रेशन करना है, 2/1 - x और 1+x² का इंटीग्रेशन। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग कि कैसे करेंगे 13 क्वेश्चंस को। इंटीग्रेशन करना है 2/1 - x 1+x² dx। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर नीचे हर में एक रैखिक समीकरण रहे, एक द्विघात समीकरण रखते हैं, तो इसको पुट करते हैं 1 - x और 1+x² को दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक होता है a/1 - x प्लस b/bx + c। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब नीचे द्विघात समीकरण रहता है तो ऊपर bx + c तोड़ते हैं 1+x². यहाँ हो गया हम लोगों का 2/1 - x और 1+x² = इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे तो 1 - x और 1+x². अब 1 - x 1 - x से कटेगा तो बचेगा क्या, 1+x² प्लस पूरा बच रहा है bx + c। ठीक है, ये पूरा bx + c बच रहा है। 1+x² से 1+x² कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है वहाँ पे, 1 - x। ठीक है, अब यहाँ बात करें तो क्या बन रहा है, 2/1 - x 1+x² = 1 - x 1+x². ठीक है, अब ए को 1 से मल्टीप्ल करेंगे, ए को x² से मल्टीप्ल करेंगे, ax². ठीक है, अब bx को 1 से मल्टीप्ल करेंगे, हो जाएगा हम लोगों को bx, bx को -x से करेंगे, -bx². ठीक है, फिर अगर बात करें तो c को 1 से करेंगे +c, c को -x से करेंगे -cx। ठीक है, और नीचे वाला, तो नीचे वाला पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोगों को बच रहा है सिर्फ 2 = यहाँ a + x², यहाँ बच रहा है, इसको अच्छे से कर लेते हैं तो a+x² + bx - bx² + c - cx। अब क्या हम बताए हैं आपको कि दोनों तरफ जो भी आया हम लोगों को इसको देखना है। यहाँ तो x² वाला एको नहीं है तो x² वाला इधर 0 है, लेकिन इधर x² में कौन कौन सा है, तो एगो a है और एगो -b है, तो a - b, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या करना आपको, इधर x वाला देखना है, इधर कोई x में है नहीं तो 0, इधर कोई x में है तो हाँ देखते हैं b है और -c है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इधर कांस्टेंट क्या है, 2, इधर कांस्टेंट क्या है, तो a एक कांस्टेंट है और c एक कांस्टेंट है, a + c, ये हो गया हम लोगों को 3 इक्वेशन। अब आपको क्या ट्राई करना है कि ये तीनों इक्वेशन से a, b, c का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या करना है, तीनों का वैल्यू निकालना है। तो आप चलिए सबसे पहले इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन क्या है, a - b = 0, तो -b अगर इधर जाएगा तो a बराबर में क्या हो जाएगा, b। ठीक है, a बराबर में b। तो अब क्या करना है, सेकेंड से चलिए, इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड से चलिएगा तो b - c = 0 है, तो हम b के जगह पे क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग b जहाँ है वहाँ a रखिए, सेकेंड नंबर में है b - c = 0, तो b के जगह पे a रख दिए तो a - c = 0। और समीकरण थर्ड क्या है, समीकरण नंबर थर्ड है a + c = 2,
ए प्लस सी बराबर में टू, ये तो खत्म। ए और ए मिलकर कितना है, टू है, इज इक्वल टू टू। इसलिए ए का वैल्यू कितना हुआ, टू डिवाइड बाई टू, इट मीन्स वन। तो इसलिए ए का तो वैल्यू पता चल गया वन, तो हम बोल सकते हैं कि बी का भी वैल्यू वन ही होगा, क्योंकि ए बराबर में है किसके, बी के। तो जब ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू वन, तो सी का वैल्यू कितना, तो आप चल दीजिए इक्वेशन सेकेंड से। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है कि जीरो इज इक्वल टू बी माइनस सी। अभी माइनस सी इधर आ जाएगा तो बी बराबर में सी, यानी कि इसलिए सी भी वैल्यू कितना होगा, वन। यानी कि ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू वन और सी का वैल्यू भी वन, यानी कि तीनों का वैल्यू कितना आ रहा अभी, वन वन वन। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों को तीनों का वैल्यू आ रहा है वन वन वन। अब हम लोगों को अगेन काम करना है। अगेन काम क्या करना है, तो जो क्वेश्चन था टू बाई वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे है टू बाई वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसी को ना हम लोग पुट किए हैं इतना, कितना भाई, तो ए ए बाई वन माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर और पूरा का डी एक्स। इसको क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन में, ए का तो वैल्यू हम लोगों को वन आया, तो यहाँ पे वन बटा वन माइनस एक्स डी एक्स प्लस बी का भी वैल्यू वन आया, सी का भी वैल्यू वन आएगा, इसका मतलब एक्स प्लस वन ऊपर रहेगा और बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये इसका तो हम लोगों को पता चल गया कि इसका हो जाएगा लॉग एक्स, लॉग वन माइनस एक्स, लेकिन एक्स के पहले माइनस है इसलिए माइनस से डिवाइड कर दिए प्लस। अब इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक तो एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स, और प्लस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसका तो एक इंटीग्रेशन हो गया, तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या क्या बच रहा है वो हम लोग देखिए। तो अभी तक क्या आ चुका है, कितना हम लोगों को आ चुका, माइनस लॉग वन माइनस एक्स। देखिए वन माइनस एक्स के लिए तो लॉग आया, वन बाई एक्स का होता है वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो लॉग एक्स हो गया, लेकिन एक्स के बगल में माइनस है इसलिए माइनस से डिवाइड कर दिए हैं। और फिर हम लोगों को है एक एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और प्लस फिर यहाँ था देखिए वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका होता है दोस्तों टेन इनवर्स एक्स, इसलिए हम यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स रख दिए। अब इस वाले सवाल में हम लोगों को करना क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेना है टी, तो इसको वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर तो एक्स डी एक्स है ही है, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बटा में टू। तो कुल मिलाकर हम लोगों को मिल रहा है माइनस लॉग वन माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो नीचे हो जाएगा टी और ऊपर हो जाएगा डी टी और प्लस टेन इनवर्स एक्स। माइनस लॉग वन माइनस एक्स और वन बाई टी का हो जाएगा कितना, लॉग टी, ठीक है, वन बाई टी का तो लॉग टी प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब टी किसको माने हैं, तो टी माने हैं हम लोग वन प्लस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग वन माइनस एक्स प्लस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टी वन प्लस एक्स स्क्वायर को माने हैं, और टेन इनवर्स एक्स। अब इस प्लस वाले को पहले रख सकते हैं, माइनस वाले को बाद में रख सकते हैं, तो माइनस लॉग वन माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला होता है लॉग एम बटा में लॉग एन, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा वन माइनस एक्स। एक्चुअली बात करें तो हम लोगों को ये भी लिख सकते हैं कि लॉग एम माइनस लॉग एन जो होता है लॉग एम बटा में एन होता है और प्लस में टेन इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से हम लोगों को आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, 14 में।
चौदह नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौदह नंबर क्वेश्चन आपको दिखा देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरीके से है, 3x-1 बटा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन फिर क्या है, 3x-1 बटा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हम लोगों का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अगर हम लोग दोस्तों सीखे हैं कि किस तरीके से सवाल में क्या पुट करना होता है, तब हम उसको आराम से बना सकते हैं। इसको अगर ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से तोड़ने का तरीका जानते हैं कि एगो टूटता है ए बटा एक्स प्लस टू और प्लस बी बटा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, यानी कि जिस कभी किसी का होल स्क्वायर रहता है तो उसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक बिना होल का और एक होल स्क्वायर करके। तो इस यहाँ पे हम लोग अगर तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो 3x-1 एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर होगा। एक्स प्लस टू एक बार में कटेगा तो ए गो ए के साथ एक्स प्लस टू बचेगा, और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर जो है एक बार में कैंसिल आउट होगा, यानी कि सिर्फ बचेगा बी। ठीक है, इस तरीके से नीचे नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला बन रहा है 3x-1 और यहाँ बन रहा है ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए तो पता आपको चल रहा होगा कि x का गुणांक इधर 3 है और इधर x के बगल में कौन सा है, a। तो a का तो वैल्यू हम लोगों को पता चल गया 3। इधर कांस्टेंट कितना है, -1, इधर कांस्टेंट है 2a प्लस बी, तो a के जगह पे कितना रखना है 3, तो -1 3 2 जा 6, ए के जगह पे 3 रखना है। अब ए के जगह पे 3 कैसे आया, तो x वाला यहाँ 3 है, यहाँ x वाला सिर्फ a है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 6 उधर जाएगा तो -7 = b, यानी कि a का वैल्यू 3 आया और b के जगह पे -7 आया। अब क्या करना है, अगेन अगेन में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा कि मेरा सवाल तो 3x-1 बट्टा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर था, इसी को दो पार्ट में तोड़े हम a बाय एक्स प्लस टू प्लस बी बाय एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो जैसे ही हम इसको दो पार्ट में तोड़े तो a का वैल्यू तो 3 आया और b का वैल्यू -7, तो जब 3 आएगा तो 3 को बाहर निकालेंगे तो बनेगा 3 इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स प्लस टू डी एक्स, और b का वैल्यू -7, तो -7 को यदि बाहर निकालेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, एक पार्ट को तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसका आ जाएगा 3 लॉग एक्स प्लस टू, क्योंकि 1 बाई एक्स है तो लॉग एक्स होता है, तो 1 बाई एक्स प्लस टू है तो लॉग एक्स प्लस टू, और -7 तो रह गए रहेगा। इसके जगह पे आपको क्या करना है, एक्स प्लस टू को आपको टी मानना है। ठीक है, इंटू डी एक्स तो रहेगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स और टू का 0 और डी टी, तो डी एक्स के जगह पे आप डी टी रख दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। तो आप इसको डिफरेंट इंटीग्रेशन करके और फिर टी में जो आएगा टी के जगह पे रख दीजिएगा एक्स प्लस टू, तो इस तरीके से आपका रियल आंसर जो है आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशन करना है और फिर आपको आंसर मैच करना है, यदि प्रॉब्लम होता है तो इसको बनाकर हमें ज़रूर सेंड करना है। कुल मिलाकर यहाँ से बात समझ में आना चाहिए आपको कि x प्लस टू का होल स्क्वायर है, तो हम लोगों ने x प्लस टू को मान लिया t, इसको डिफ्रेंसिएशन किया तो dx बराबर dt आया, तो dx के जगह पे dt रख दिया, 1 बाई एक्स प्लस टू के जगह पे t माना था तो t का स्क्वायर हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो आराम से कर सकते हैं, t के पावर 2 है ऊपर जाएगा t के पावर -2 हो जाएगा, उसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आपको सिंपल वे में टी में आंसर आएगा, तो टी के जगह पे कितना रखना, एक्स प्लस टू। तो इस तरीके से पूरा अच्छे से इसको सॉल्यूशन कर लेना है। तो हम लोगों का 14 नंबर तक कंप्लीट हुआ, अगले क्लास में हम लोग आगे की क्वेश्चन 15 नंबर से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन करना। तो धन्यवाद, यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।